जय मसीह की एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त के इस अवसर पर डीजी मीट के बच्चों द्वारा एक नाटक तैयार किया गया है जिसमें हम जानेंगे आजादी का सही मतलब। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और इस 76 आजादी के दिन को हमारा देश बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। अगर हम सोचे तो क्या हमारा देश सच में आजाद है? वाकई दिल भर आता है अपने देश अपने वतन की आजादी को याद कर। कहते हैं बहुत संघर्ष के बाद हमने इस आजादी को पाया है, पर क्या देश का हर नागरिक आजाद है? पर क्या हम लोग सच में आजाद हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। नजर दौड़ाइए और अपनी चारों ओर देखिए। हम लोग आजाद तो हो गए हैं लेकिन आज भी बहुत सी बुराइयों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, जैसे घमंड, क्रोध और चिंता। आइए हम सब लोग इसे एक नाटक के माध्यम से देख के समझते हैं। नाटक से क्या सीखा? मेरे इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिए। बेटा करता है आजाद जिसको, वह हकीकत में आजाद है। लेकिन कौन है वो बेटा जो हमें हकीकत में आजाद कर सकता है? उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जीवित और सच्चे परमेश्वर का एक लौता पुत्र, जो इस धरती पर आया मनुष्य बनकर और क्रूस पर अपनी जान देकर हमारी आजादी के सारे रास्ते खोल दिए। तो आओ हम अपने गुनाहों की सारी बेड़ियों को तोड़ दें, क्योंकि जो लोग अंधकार में गिरे हैं वह उनके लिए रोशनी है, और जो लोग नफरत के शिकार हैं वह उनके लिए मोहब्बत है, और जो लोग शांति से परे हैं वह उसके लिए शांति का मार्ग है, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है।